जगत हो, राजनीति हो या क्षेत्र हो व्यापार, जुर्म फरेब की हर गली से गुजरे जो कह के खबरदार, झूठ का पर्दाफाश करेगा सच का पहरेदार, हर तरह की खबरें लेकर पेश है मुंबई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादमा और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। वो ठीक नहीं है क्योंकि
बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, बड़े उनका जो मिजाज होता है वो बहुत ही चंचल होता है, और कहीं ना कहीं वल्गर जो चीज़ें हैं जो हमारे सोसाइटी में अलग पैगाम भेज रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। बच्चों को बच्चा बच्चे बच्चों की तरह ही वो अगर स्टेप्स करें डांस में तो ज़्यादा अच्छा। मेरे बड़े भैयान सिकंदर मिर्जा जी ने जब मुझे बुलाया और चैलेंज ये दिया कि भाई नवाब भाई आपसे पहले मैं 10 लोगों को सुन चुका हूँ, राइटिंग में भी कंपोजिशन में भी, कितना मज़ा आया या नहीं आया ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, आप अपना क्या जलवा दिखा सकते हो उसके बाद मैं बताऊँगा। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज था और मेरी ये खुशनसीबी कि अली मौला अली मुझे मिली और ये इंशाल्लाह इतिहास रचे। ये 1.5 से 2 महीने की मेहनत है लिखने की और कंपोजिशन जो आज सब लोग बोल रहे हैं या झूम रहे हैं और कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 2020 की सुपरहिट इंशाल्लाह कमाली होगी, तो हमारी दुआएं भी हैं और साथ भी है। तो मैं शुक्रगुजार रहूँगा सिकंदर मिर्जा साहब का, रिहान खान साहब का जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर सिकंदर मिर्जा साहब हैं, और जो कमाल जो किया है मेरे छोटे भाई बड़े भाई में जो भी बोलूँगा छोटे भाई में बोलता हूँ, तो म्यूज़िक में नवाब सबाब आफ्ताब, लिरिक्स मैंने किया है, भाई ने बखूबी निभाया है। वो एक कच्ची बिल्डिंग थी जो हमने तैयार की थी, अब जो जावेद भाई ने अपने सुरों के अनमोल तालमेल में जो बिठाया है रंग, वो जैसे एक इंटीरियर होता ना, एक इंटीरियर कच्ची बिल्डिंग को फिर उसको पलस्तर किया, पुताई किया, फिर उसमें डेकोरेट किया, सोने पे सुहागा। मैं मुरीद हूँ भाई का। अरे और नहीं। और फिर ना देखिए मुझे ना एक फ्लैट की याद आ रही है, बंगला याद आ रहा है, जिस तरह से इन्होंने घर इंटीरियर किया बहुत अच्छा फील किया, फिर रहने भी चले गए, बहुत ही अच्छा आपकी कंपोजिशन इतनी कमाल है। सबकी सुनते हो तुम हो सबके वली, तुमसे आस लगी मेरे मौला अली, तुमसे आस लगी मेरे मौला अली, वली 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 मेरे मौला अली, मेरे मौला अली, मेरे मौला अली, मेरे मौला अली। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कमल देखिए कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन कीचड़ से निकल के वो भगवान के चरणों में चला जाता है और कीचड़ वहीं रह जाती है। ये एक जर्नी है, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जर्नी थी कि वो एक छोटे से समाज से निकले, मेहनत करी और मेहनत के बल पर वो आज देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उसी तरह से एक छोटे से समाज से हमारी लड़की निकलती है और वो ऐसे समाज से निकलती है जिस समाज की सोच जो है लड़कियों के प्रति बहुत गलत है। जिस तरह से देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, उसी तरह से कमल जो है बचती भी है, पढ़ती भी है और हिंदुस्तान की एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ बनती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बने हैं, वही जर्नी है हमारी कमल की, ये है हमारा कॉन्सेप्ट। ने कलाकारों की मार्केट बात चल रही है, ठीक रहे, और नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा, और बहुत हम लोगों ने स्क्रिप्ट के ऊपर मेहनत की है, म्यूजिक के ऊपर की है, 6 गाने इस फिल्म के अंदर, और म्यूजिकल लव स्टोरी अलग, इसमें ये कि ये रियलिस्टिक बेस कंसेप्ट है, इट्स ए कमल, इट्स ए रियलिस्टिक बेस ऑफ ए जर्नी ऑफ ब्रेव गर्ल, एक बहादुर लड़की की रियलिस्टिक जो जर्नी है, जैसे बायोपिक चल रही है तो ये भी समझ लो उसे एक बायोपिक, उसके ऊपर हमने बहुत 2 साल से हम लोगों ने मेहनत किया है, सिकंदर भाई ने मेहनत किया, हमारे जो राइटर विनोद शर्मा जी ने मेहनत किया, हमने 2 साल रिसर्च किया उसके, वैसे एक ऐसा गाँव है उन्होंने जाकर वहाँ रिसर्च किया, आज भी उस गाँव में बच्ची पैदा होती है, लोग अपने बच्चे को सगे माँ बाप उसको बेच देते, ठीक है, तो उसके ऊपर रियल कंसेप्ट पर फिल्म बना रहे, कोई काल्पनिक नहीं, देखो फीमेल और मेल का कोई कंसेप्ट नहीं होता, कंसेप्ट एक्चुअली कंसेप्ट चलता है, हमने कंसेप्ट पर बहुत मेहनत की और इसका यूनिक कंसेप्ट डिफरेंट है, जो फिल्म में हम लोग कोई काल्पनिक फिल्म नहीं बना, रियल कंसेप्ट रियल के ऊपर हम लोग मेहनत करें। देखिए जैसे अभी सिकंदर साहब ने कहा कि जर्नी है, बेसिकली जर्नी ही है कि एक लड़की जो कीचड़ से निकल कर आसमान की ऊँचाइयों को छूती है और उस आसमान की ऊँचाइयों को छूने के अंदर जो उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हर्डल्स आते हैं, उन हर्डल से कैसे बाहर निकलती है, वो खेल है कमल का।
और बस यही कहूँगा कि बाकी तो आप जब देखेंगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें अगर हम डिटेल में बता देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। बस कमल की कहानी यही है कि कमल कीचड़ से खिलता है। नहीं, इस तरह का कोई ऐसा नहीं है कि किसी जाति पर या किसी धर्म पर या किसी विशेष समुदाय पर कुछ कहा गया हो, एक कहानी है। आपको पता होगा MP के पास भी एक छोटा सा विलेज है जहाँ से हम लोगों ने रिसर्च किया है, वहाँ पे लड़कियों को किस तरीके से बेचा जाता है, खुद उनके पेरेंट्स कैसे बेचते हैं, उन सारी चीज़ों को लेके एक ताना बाना बुना गया, एक कहानी बुनी गई, और उसके बाद रिजल्ट्स तो सामने आएंगे जब आप फिल्म देखेंगे। देखिए क्या है कि ये जो कीचड़ जो है उसके अंदर, क्योंकि हमारी जो लड़की है वो एक बहुत मुसीबत में फंस जाती है, और इतनी ज़्यादा मुसीबत में फंस जाती है क्योंकि देखिए लड़कियों को हमेशा जो होता है दबाया जाता है। दबने की बात अब नहीं है, अब डट के मुकाबला करने की बात है, क्योंकि देखिए दबा करके कोई भी चीज़ ज़्यादा दबने से चींटी भी काट लेती है। यहाँ पर वो एक मजबूरी में होती है, उस मजबूरी के तहत वो कीचड़ उसका साथ देती है और उस कीचड़ में वो छुपती है, और कीचड़ में छुपने के बाद वो उससे निकलती है और निकल के वो फाइट करती है उन देश के लोगों से जिनकी सोच जो है बड़ी छोटी है, और अपनी सोच को लोग बड़ा रखें इसके लिए वो आवाज़ उठाती है और वो कहती है सबका साथ है सबका विकास है। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, कमल हमारी जो हीरोइन है उसका नाम है, वो एक छोटे समाज में पैदा होती है, उसका नाम कमला रखते हैं, कमला से वो कमल बन जाती है जब बड़े शहर में आती है, और वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ बनती है। जैसा कि हमने बताया आपको, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो बहुत ही छोटी सी मेहनत करके और आज देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये एक फैक्ट है जिसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से हमारी लड़की है जो एक बहुत छोटे से समाज से निकलती है, बचती है, लोगों से लड़ती है, लोगों की भावनाओं से, जब बच्चियां बड़ी होती हैं तो लोगों की नज़रें उन पर गलत जाती हैं, उन गलत नज़रों को पॉजिटिव करती है, वो कहती है मुझे बहन की तरह भी आप देख सकते हो, मुझे आप एक माँ की तरह भी देख सकते हो, रूप देखने के होते, क्योंकि लड़कियों में क्या होता है एक बड़ी अच्छी ऊपर वाले ने खासियत दी है, वो इंसान की नज़र से पहचान जाती हैं कि इंसान उससे क्या चाहता है। तो कमल एक ऐसी लड़की है जो निडर है, बहादुर है, ईमानदार है, वफादार है, देश के प्रति अच्छी है, देश की सभ्यता को लेकर चलती है, देश के संस्कार को लेकर चलती है, अपने संस्कार को लेकर चलती है, हर चीज़ कमल में मौजूद है। और ऑर्डिनरी पीपल रीड हिस्ट्री, क्रेजी पीपल मेक हिस्ट्री, नॉर्मल आदमी किताबें पढ़ते हैं और जो क्रेज़ी होते हैं वो इतिहास बनाते हैं, तो कमल जो है वो क्रेज़ी है और वो इतिहास बनाती है। 2000 बड़े आर्टिस्ट से बात चल रही है, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, जैसे फाइनल होगा आप लोग को हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे। शूटिंग का विद इन टू मंथ वी विल ऑन फ्लोर इंशाल्लाह। हमने एक एग्जांपल दिया है। आप एज इंडिविजुअल के तौर पे या निर्माता के तौर पे कितने प्रेरित हैं, उनका जो सफर रहा और जितना कामयाबी हासिल किया उन्होंने, और जो देश बहुत आ रहे हैं आज के दौर, बहुत मैं इम्प्रेस हूँ उनसे। आज देखिए उन्होंने देश के अंदर हर चीज़ सिस्टमेटिक कर दी है, लोग कहने को तो क्या है, सबको कहें कुछ भी कहें, लेकिन आज देखिए ना जो चीज़ें हैं, आज 4000 करोड़ जो है मदरसों का उन्होंने कर दिया है, 1000 करोड़ बढ़ा दिया है, हर चीज़ को सिस्टम में ला दिया है, तो सिस्टम से चलना चाहिए। आज जो करेंसी की वैल्यू है वो धीरे धीरे, इंडिया को क्या आदत थी हर चीज़ अनसिस्टमेटिक, इनको पैसा दे दो उनको पैसा, अब धीरे धीरे ये 5 साल में सब चीज़ें सिस्टम में आ जाएंगी और इंशाल्लाह इंडिया विल बी द रॉक। हमारा देश जो है, पासपोर्ट रखोगे आप ऑनरेबल वीज़ा होगा। नहीं वो देखिए वो एक अलग मसला है, ट्रिपल तलाक जो है वो एक इस्लामिक मसला है, और उस पर जो है जिन लोगों ने कंप्लेने, हमारे पास अगर कोई कंप्लेन आती है, हम प्रोड्यूसर रहेगा, हमारे पास कोई डायरेक्टर आएगा, हम पिक्चर देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, ऐसे लोग कंप्लेने करी, कोई बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनके साथ ज़्यादती हो जाती है, व्हाट्सअप पर कोई तलाक दे रहा है ये दे रहा है, जबकि इस्लाम में है नहीं ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन लोगों ने करा क्योंकि ज़्यादातर लोग कन्वर्ट होके बने तो उनको नॉलेज थी नहीं। अब वो जिनको नॉलेज नहीं है, अब अगर हमें मान लिए हम कहते हैं जब हम जय बोलेंगे तो सनातन धर्म की जय बोलेंगे, तो हमें ये मालूम होना चाहिए सनातन क्या है, उसी तरह से इस्लाम का बेस क्या है, उस पर काम चल रहा है, वो देश की गवर्नमेंट कर रही है, उसमें हम कुछ नहीं बोलना चाहते क्योंकि हम लोग इंटरटेनमेंट वाले लोग हैं, हमें अपने एंटरटेनमेंट से मतलब है और समाज को अच्छा मैसेज देना है। एक आपने क्वेश्चन और किया था कि इसमें नया क्या है, उसका भी मैं आपको जवाब बता दूं। देखिए क्या है, जर्नी जो होती है, जर्नी जो होती है हमेशा एक ऐसी होती है कि जर्नी में हर आदमी टकराता है। जब आप अपने घर से जर्नी करके निकलते हैं एक अच्छे विचार की कि मुझे भाई उस बुलंदी पे जाना है, उस चोटी पे जाना है, और बुलंदियों पे पहुँचने के दो ही तरीके हैं, एक आपके पास पैसा है बहुत, हेलीकॉप्टर से जाइए और झंडा लगा दीजिए, दूसरा आप स्ट्रगल करके जाइए, जो स्ट्रगल करके जाते हैं वो बुलंदी का मज़ा ज़्यादा जानते हैं। तो इसमें क्या है, स्ट्रगल करके कमल गई है
और वो उसका स्ट्रगल बहुत अच्छा है। ये दो तीन पार्ट में फिल्म जाएगी, एक पार्ट में फिल्म बन नहीं रही है, तो टू बी कंटिन्यू रहेगी। बस ये आशीर्वाद रहे, आप सबका प्यार रहे, हम लोग अच्छी तरह से इस फिल्म में कामयाब हो जाएं, आप सबकी दुआओं के साथ। धन्यवाद जी। ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और ये वुमेंस के ऊपर है कि कैसे उनको एम्पावरमेंट किया जाए। और मेरा नाम शाइना कौर है और मैं भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हूँ। हाय, माय सेल्फ हरदीप कौर। सो मेरा एक पार्टी सॉन्ग है इसमें, जो मैं एज अ मेन लीड में डांस कर रही हूँ इस फिल्म में, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। एंड इसमें ये है कि एक जो स्टोरी है जो हम बता रहे हैं कमल की, जो एक वुमन एम्पावरमेंट के लिए है कि कैसे आजकल के मॉडर्न शहर में भी आजकल लड़कियां सेफ नहीं है, तो हम वो दिखाएंगे कमल कैसे कीचड़ से निकल के कैसे वो सक्सेसफुल बनती है, तो उस पर एक स्टोरी है। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम आस्था है। आस्था, ओके, मैं भी इस फिल्म से जुड़ रही हूँ, एक वुमन्स के लिए है। जी, ये कहानी बहुत ही अच्छी है और ये एक लड़की के ऊपर है जिसे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। वो कहाँ से आदिवासियों के उधर से आती है और यहाँ के लोग उसे कैसे लूटने की कोशिश करते हैं उसको, उसके ऊपर है और उसका भोलापन उसमें दिखेगा। पर फिर भी इन सब कीचड़ के लोगों के बीच में भी वो खिलती है, वो अपना भोलापन, अपनी मासूमियत नहीं छोड़ती है। जैसे कमल होता है, कमल के ऊपर कोई पानी की बूंद टिकती नहीं है, जबकि वो कीचड़ में खिलता है और उसके ऊपर कीचड़ की बूंद नहीं खिलती, वो सबसे निर्लेप रहती है। ये उसके ऊपर कहानी। इस कहानी में लाइक बहुत सारे शेड हैं, एक तो एंगर है उस लेवल का और एक मासूमियत है, जैसे एक छोटे बच्चे की मासूमियत होती है उस लेवल की। तो इसमें लड़की के हर रूप को दिखाया जाएगा। मेरा इसमें, मैं फिल्म में पार्टी सॉन्ग है जो मैं कर रही हूँ एज अ मेन लीड, तो मैं आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मुझे इसमें डांस भी करने को मिल रहा है, एक्ट भी करने को मिल रहा है डांस के साथ साथ, यू नो, एक्सप्रेशंस। तो मुझे एक्टिंग का, डांस का तो वैसे ही बहुत शौक है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ एक वुमन एम्पावरमेंट के लिए ऐसा एक मुझे प्रोजेक्ट मिला। मेरा किरदार मैं सपोर्टिंग रोल में कर रही हूँ। थैंक यू। कमल फिल्म का म्यूज़िक बहुत ही खूबसूरत बनेगा, लेकिन अभी मैं ऑन बोर्ड आया हूँ, अभी स्क्रिप्ट वगैरह मैंने सुनी है, अभी काम सारे स्टार्ट होने वाले हैं, जल्दी जैसे गाने शेप ऑफ होके आते हैं तो आपके सामने आएंगे। जावेद भाई का ये पहला गाना है तो हम लोग मुहूर्त कर रहे हैं इस गाने से, लेकिन इसके अलावा अभी सिंगर का सिलेक्शन हुआ नहीं है कि कौन कौन से होंगे। ये 5-6 गाने होंगे जो बहुत ही बेहतरीन होंगे और फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी अच्छे सिंगर्स हैं, जाने माने सिंगर, सारे इस फिल्म के अंदर होंगे। आज का गाना कवाली बेस्ड है, अभी अंडर प्रोसेस है, बन रहा है गाना, एक्चुअली रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं, ये कवाली सॉन्ग है, ये मैंने कंपोज एक्चुअली नहीं किया, ये दूसरा म्यूज़िक डायरेक्टर है, उनका गाना है, मेरे जो गाने हैं वो दूसरे हैं। हाँ जी, थैंक यू। ऑब्वियसली करना पड़ेगा, केसर में है, केसर में पहनने के लिए भी कॉस्ट्यूम, ऑब्वियसली केसर में खेलने के लिए भी कॉस्ट्यूम होते, पानी में खेलने के लिए भी कॉस्ट्यूम होते, धूप में खेलने के लिए भी होते, बारिश में खेलने के लिए भी होते, हर चीज़ के लिए कॉस्ट्यूम तो होते ही है, बिना कॉस्ट्यूम के मूवी नहीं बनेंगे, कॉस्ट्यूम से ही बनेंगे। या एक्चुअली ये मूवी में आई एम ए मेकअप आर्टिस्ट और काफ़ी लुक जो रहेंगे एज ए मॉडल, एज ए हीरोइन, एज ए लीड रोल, तो वो अलग अलग क्या हमको कॉन्सेप्ट देने का है, तो उसके बारे में जैसे जैसे मूवी में सब लोग आगे बढ़ेंगे, जो जो रोल मिलता जाएगा अकॉर्डिंगली सूट हम लोग मेकअप में आगे बढ़ते जाएंगे। सभी दर्शकों को ब्रजेश त्रिपाठी का नमस्कार। आज जिस फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, कमल नाम से ही आप लोगों को लग गया कि कमल कीचड़ में खुलता है, तो इस फिल्म को मिर्जा साहब प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये रेहान साहब डायरेक्टर हैं। आप सबकी दुआएं चाहिए, आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। हाय, आई एम दृष्टि सिंह एंड मेरा इस मूवी में सेकंड लीड रोल है। मेरे कैरेक्टर का नाम है टीना एंड ये पूरी मॉडल लड़की है जो एक मॉडल है और कमल की वजह से इसमें थोड़ी अनबन हो जाती है। मैं एक मॉडल हूँ, मैंने बहुत सारे रैम शोज किए हैं एंड मैं, ये मेरी बहन है एंड मैं बहुत खुश हूँ इस मूवी में जुड़ने से, मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं प्रे करूँगी कि ये हिट हो जाए। माय नेम इज़ चाहत सिंह एंड इन दिस मूवी आई एम डूइंग अ सॉन्ग मनाली ट्रांस, जिसके कॉपीराइट्स लिए गए हैं।
So yeah, I am the main lead dancer for that song. And for more about me, that I am a model too. I am a professional dancer. I have represented India a lot of time in international pageants. So I have a title of Miss Teen Globe India 2019. And yes, that's all about me. Coming back to the movie, so the movie have a really beautiful story, and it is a new concept about the struggle of a girl and how she goes from a totally ruler girl to an amazing model, where even the established models have been terrified about her presence. So it's a pleasure to be a part of this movie and representing my talent over here. So yes, it's gonna be an amazing movie. I hope it's a hit. Thank you. सिकंदर भाई की फिल्म शुरू हो रही है, ये तो काफ़ी वक्त से जो है सिकंदर भाई लगे हुए थे इस फिल्म के लिए, और बहुत कमाल की स्टोरी है जो उन्होंने खुद लिखी है, मुझे सुनाया जब इन्होंने तो मुझे वाकई बहुत पसंद आई। बस उम्मीद है कि वो अच्छी बने और आप लोगों तक पहुँचे। अच्छा गाना है जो आपने रोमांटिक, एक रोमांटिक गाना है जो मैंने लिखा है इस फिल्म में, बड़ा खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। देखिए बहुत जल्दी उसको रिकॉर्ड भी करेंगे, सिकंदर भाई ने पसंद किया। वही रिकॉर्डिंग आप अपने बारे में? मैं अजीम शिराजी हूँ और मैंने कुछ गाने लिखे हैं बॉलीवुड में। कभी जो बादल बरसे मेरा एक गाना है, काफ़ी लोगों ने पसंद किया उसे। 1920 के गाने मैंने लिखे थे, 1920 लंदन के लिखे थे। अभी बागी 3 वगैरह के भी मैं गाने लिख रहा हूँ। लेकिन बहुत खूबसूरत गाना ये है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ आज, मुबारकबाद देने के लिए सिकंदर भाई को। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत कमाल की बनाएंगे, क्योंकि जिस शिद्दत और जुनून से लगे हुए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 100% बहुत कमाल बनेगी। गाने नहीं जो भी इन्होंने जो गाने लिखे रोमांटिक, वो रोमांटिक गाना एक मैंने लिखा है कि तुझको नज़र में भर रखा है, आधा काम तो कर रखा है, आधा इश्क तू ले आना, आधा मैंने कर रखा है। क्या बात, वेरी गुड। सो मैं अनस खान, टेलीविज़न का एक्टर, ये हमारे भाई है। सो इनकी फिल्म कमल, जैसे आप पोस्टर में देख सकते हैं भाई हमारे एकदम छाए हुए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि फिल्म अपनी अच्छी बने और लोगों को पसंद आए। सो पहला स्टेप ले लिया है, अभी लंबा सफ़र है, सो इंशाल्लाह वो भी कवर अप होगा। डायरेक्टर हमारे आज एकदम पिंक सूट में हैंडसम लग रहे हैं, और अनस ही इज प्लेइंग मेन लीड हीरो इंशाल्लाह इन माय मूवी। ऑलरेडी 2 फिल्में इनकी और फ्लोर पे हैं, 3 फिल्म कमल हो जाएगी जी इंशाल्लाह, कमाल हो जाएगा। इनको 2 महीने का टाइम दिया है वेट कम करने के लिए। वेट ऑलरेडी कम है इनको, चाहिए कि मैं बिल्कुल ही ख़त्म हो जाऊँ तो फिर मैं उस पर वर्कआउट करूँगा। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।